सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज विकी कौशल भैया का इस वाले जो पोर्ट्रेट है इसको कंप्लीट करूँगा। सो इस वाले जो पोर्ट्रेट आप देख रहे हो इसको आज पूरा ही कंप्लीट करूँगा, जो भी लास्ट में बचा हुआ है, क्योंकि पार्ट टू में आपको दिखाया था फेस का जो पोर्शन था उसको आपको पूरा ट्यूटोरियल अपलोड कर दिया है, आपने देख लिया। अगर नहीं देखा तो पहले वाला वीडियो चेकआउट कर लेना। सो आज मैं नेक का पोर्शन और जो यहाँ पे शर्ट का जो पोर्शन हो गया है उस वाले पोर्शन को कंप्लीट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे पहले चारकोल का यूज़ करा है, चारकोल का यूज़ करके बेसिक लेयर डाल दिया है। उसके बाद मैं चारकोल पेंसिल के मदद से स्ट्रोक दूंगा। आप देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ। आपका फ्रेंड्स चारकोल बहुत ही बारीकी से यूज़ करना पड़ेगा, कौन सी जगह पर हाइलाइट देना है, कौन सी जगह पर डार्कनेस है, उसी हिसाब से आपको चारकोल पाउडर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब पेंसिल की मदद से वैल्यू ऐड करोगे तो तब अच्छा हेल्पफुल होगा। तो अभी मैं पहले डार्क पोर्शन को कवर करूँगा चारकोल पाउडर की मदद से। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे मैं चारकोल पेंसिल की मदद से वैल्यू और टेक्सचर ऐड करूँगा। तो आप देख रहे हो मैं कैसे करके वैल्यू और टेक्सचर ऐड कर रहा हूँ। अब आप ऐसे करके अगर स्केचिंग करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक सा वैल्यू मिलेगा, और बहुत ही मतलब आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपने जो ड्राइंग करा है वो बहुत ही सुंदर होता है। क्योंकि मैंने ये वाला ट्रिक मैंने 2 दिन पहले ही सीखा है, तो मैंने आपको आपके साथ शेयर करा हुआ आज। और आप देख लो, आप भी ऐसे करके ट्राई करना। पहले बेसिक सा जो आप क्या करना, पहले जो ड्राइंग में बेसिक सा जो मतलब डार्कनेस का वैल्यू है उसको ऐड कर देना, उसके बाद पेंसिल्स की मदद से सिंपल स्केच करना अकॉर्डिंग टू द पिक्चर। पिक्चर में जैसा है वैसा ही स्केच करना। आप देखना आपका जो आउटकम होगा बहुत ही अच्छा होगा, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। आप मेरा पूरा फिनिश होने के बाद आप देखना वीडियो, ड्राइंग मेरा बहुत ही अच्छा होगा। सो हे गाइस, ड्राइंग पूरा कंप्लीट हो चुका है लगभग। और आप कमेंट में बताना आपको आज का जो वीडियो है वो कैसा लगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। गुड बाय।